आज हम बात करने वाले निर्देशन के तत्व के बारे में, मतलब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि निर्देशन के कौन कौन से हमारे पास सिद्धांत है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और पसंद आया होगा। आज दोस्तों हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि निर्देशन के कौन कौन से तत्व है और उसमें से कुछ तत्वों की आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों निर्देशन के बेसिकली हमारे पास चार तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेक्षण, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। कौन कौन से दोस्तों? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। हिंदी में बोले तो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, संप्रेक्षण और नेतृत्व। ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स को मिलाकर ही दोस्तों क्या बनता है? डायरेक्शन यानी कि निर्देशन। मतलब निर्देशन करने के लिए इन चारों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो आइए दोस्तों हमारा पहला जो एलिमेंट है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है क्या? सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण। अब ये क्या है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। पहले हम इस शब्द का अर्थ सीखेंगे, किसका? पर्यवेक्षण का। दोस्तों पर्यवेक्षण को यदि हम तोड़ेंगे, मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो दोस्तों ये बना है परि प्लस अवेक्षण। किससे? परि प्लस अवेक्षण। परि का दोस्तों यहाँ पर मतलब है ऊपर, अवेक्षण का दोस्तों मतलब है यहाँ पर देखना, मतलब ऊपर से देखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि पर्यवेक्षण क्या होता है? किसी चीज़ को ऊपर से देखरेख करना, उसको देखना कि किस तरह से काम हो रहा है। मतलब कंपनी के संदर्भ में भी बात की जाए तो एम्प्लॉय जो हमारे कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कि कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने वाला कौन है? सुपरवाइजर है उनका। ये तो रही बात दोस्तों हिंदी की। अब यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में सुपरविजन इसको बोलते हैं। सुपर का यहाँ पर अर्थ है ऊपर, है ना। जैसे आपने कहीं सुना हो कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि यह व्यक्ति मेरे से सुपीरियर है, मतलब मेरे से पद में ऊंचा है। ठीक है, तो सुपर प्लस विजन, सुपर का मतलब यहाँ पर होगा ऊपर और विजन का मतलब आप दोस्तों जानते हो देखना, मतलब ऊपर से देखना। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब यह नहीं है कि छत से हम देख रहे हैं कोई काम होते हुए, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे स्कूल में आपका सुपरविजन कौन करता है? आपका सुपरविजन आपके टीचर करते हैं कि बोले बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या क्या गलतियां कर रहा है, कि क्या क्या अच्छे काम कर रहा है, कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ये सब काम कौन देखता है दोस्तों? आपका टीचर ही तो देखता है ना, एक तरह से मान लो वो आपके सुपरवाइजर हैं, आपके टीचर हैं जो। ठीक है, तो इस तरह से ही कंपनी में क्या है, कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? सुपरवाइजर देखता है। और उसका काम क्या कहलाता है दोस्तों? सुपरविजन, सुपर पर्यवेक्षण उसका काम कहलाता है। अब रोल क्या है? बोले भैया एक कंपनी में सुपरवाइजर का क्या रोल है? दोस्तों दो रोल हैं। क्या क्या? एक तो मीडिएटर का रोल है। मीडिएटर मतलब मध्यस्थ। मध्यस्थ किन किन के बीच में? देखो कर्मचारी सबसे नीचे लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, जो एक्चुअल में मतलब मान लो कि फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो होते हैं हमारे एम्प्लॉय कर्मचारी, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। और एक होते हैं हमारे टॉप लेवल के, जो कंपनी के प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं कि बोले हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सा मतलब इन फ्यूचर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट में आगे बढ़ना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारे प्लान आगे के जो बनाते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं या मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल का। तो नीचे के स्तर के कर्मचारी और ऊपर के टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बीच में कौन है? बीच में ये है सुपरवाइजर। उनके बीच मध्यस्थ कौन है? यही है सुपरवाइजर। दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? सुपरवाइजर करेंगे। अब मीडिएटर का काम कैसे करेंगे? तो दोस्तों ऐसे करेंगे कि मैनेजमेंट अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बताएगा सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर वो प्लान्स और पॉलिसीज बताएगा सबॉर्डिनेट को। ठीक है, सबॉर्डिनेट मतलब जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड करने वाले कर्मचारी है। ठीक है, इसके अलावा सबॉर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम्स और सजेशन किसको देंगे? सुपरवाइजर को। और सुपरवाइजर उनके जो कंप्लेंस हैं या फिर सजेशन है वो किसको पहुंचाएगा? मैनेजमेंट को। तो इस तरह से ये चक्र चलेगा। तो बीच में कौन है? बीच में सुपरवाइजर है, इसलिए इस तरह से ये मध्यस्थ का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोल ऑफ ए गाइड, एम्प्लॉय को गाइड करने का काम करते हैं, गाइडेंस देने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये दो रोल हैं बेसिकली मेन सुपरवाइजर के।
अब दोस्तों आइए जानते हैं कि सुपरविजन का मतलब पर्यवेक्षण का क्या महत्व है, या फिर दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर के क्या-क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वही तो उसका महत्व है ना एक्चुअल में, कि भैया सुपरवाइजर ये कार्य करता है इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, तो दोनों चीजें हम बोल सकते हैं, क्या-क्या, कि फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर या फिर इंपोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो इंपोर्टेंस में दोस्तों बात की जाए तो पहली इंपोर्टेंस तो वही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या, मध्यस्थ की भूमिका, कि मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं भैया ये। कैसे निभाते हैं, मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से ये निभाते हैं। उनके प्लान्स पॉलिसीज मैनेजमेंट बताता है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बताता है सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और वो इस तरह से मैनेजमेंट के पास पहुंचती है, किसके थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू। ठीक है, तो लिंक कौन बनाएगा, सुपरवाइजर बनाएगा दोनों के बीच। ठीक है, और क्या करता है, दोनों के बीच जो खाई होती है वो उनको खत्म करने का काम करता है सुपरवाइजर, तो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो उसका नाम है सामूहिक एकता बनाए रखना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि कर्मचारी में कुछ आपसी मनमुटाव है, कुछ मनभेद है, तो उन चीजों को दूर करके सामूहिक एकता, कि बोले एक टीम के रूप में मेरी कंपनी काम करनी चाहिए, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय एक टीम के रूप में काम करने चाहिए, इस तरह से मिलजुल कर काम करें ताकि कंपनी के लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो इस तरह सामूहिक एकता कौन बनाता है, सुपरवाइजर बनाता है। ठीक है साहब, आगे कर्मचारियों को मित्र और मार्गदर्शक, कैसे, देखो दोस्तों जो ये पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं किन से, जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना फैक्ट्री में, उनसे कौन कनेक्ट होता है, डायरेक्ट पर्यवेक्षक ही कनेक्ट होते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं इसलिए क्या है, ये मित्र के जैसे हैं उनके लिए, एम्प्लॉय के लिए सुपरवाइजर क्या है, मित्र के जैसे हैं, और मित्र के जैसे ही ये बिहेव करते हैं, मित्र के जैसे उनकी समस्याएं सुनते हैं तथा दूर करते हैं, और ये भी बताते हैं कि इस रास्ते पे आपको चलना है, मतलब मार्गदर्शक का कार्य भी ये लोग करते हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसके अगले महत्व की, तो उसका नाम है दोस्तों कार्य का उचित निष्पादन। कार्य को उचित निष्पादन कैसे, दोस्तों कर्मचारियों को ये इस तरह से मोटिवेट करते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि कंपनी का जो लक्ष्य रखा गया उसी के अनुसार आपका जो एक्चुअल आउटपुट है, मतलब जो निष्पादन, अंतिम जो निष्पादन है, अंतिम जो फाइनल आउटपुट है, वो उसी के अनुसार हो, इस तरह से वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये भी काम किसका है, सुपरवाइजर का। इसके अलावा दोस्तों इसका अगला महत्व है कर्मचारियों को नेतृत्व करना। तो नेतृत्व तो करते ही है ना भाई, एक अच्छा पर्यवेक्षक दोस्तों वही है जो इस तरह से लीड करेगी, जो भी हमारे एम्प्लॉय है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा क्या है, ऊंचा बना रहे, इस तरह से लीड करते हैं, तो इसलिए इनका काफी महत्व है। इसके अलावा दोस्तों इनका अगला महत्व है कि कर्मचारी को प्रशिक्षित करना। क्या करते हैं दोस्तों ये पर्यवेक्षक जो होते हैं ना सुपरवाइजर, ये वर्क पैलेस पर ही, मतलब कार्य स्थल पर ही ट्रेनिंग देते रहते हैं, जैसे काम करते रहते हैं ना, वो काम करते करते बीच में ट्रेनिंग देते रहते हैं कि इस तरह से आपको काम करना है, इस तरह से आप बेहतर हो सकते हैं, बीच बीच में तो काम करते हुए ही ट्रेनिंग देते हैं, अलग से ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं है, वो कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षित करते रहते हैं। इसके अलावा एक और इसका आप दोस्तों महत्व बता सकते हैं कि सुझाव देना। अब सुझाव देने का क्या मतलब है, कि जो इनका फाइनल आउटपुट आया है, जो इनका कार्य निष्पादन आया है, उसका पहले विश्लेषण करेगा जो सुपरवाइजर है, ठीक है, मतलब एनालिसिस करेगा, और फिर क्या है, कर्मचारियों को यदि कुछ कमी है काम में तो फिर उससे संबंधित सलाह या फीडबैक देगा कर्मचारियों को, और आगे के लिए क्या देगा, सजेशन देगा, सुझाव देगा कि आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से आप और बेहतर आउटपुट ला सकते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, तो सुझाव देने का काम भी ये करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सुपरविजन या सुपरवाइजर का काफ़ी महत्व है एक कंपनी में। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये महत्व समझ में आया होगा, और पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।